मंगलवार को देश भर में कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ सिख समाज के द्वारा गुरु नानक देव का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिख समाज इसे प्रकाश पर्व के रूप में मनाता है। छतरपुर के महुआ रोड पर स्थित गुरुद्वारे में भी प्रकाश पर्व के उत्सव पर विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी लंगर सेवा का आयोजन हुआ और कई जनप्रतिनिधियों ने यहां पहुंचकर मत्था टेका। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री ललिता यादव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, छतरपुर नगर पालिका के अध्यक्ष ज्योति चौरसिया सहित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लखन पटेल बतौर अतिथि शामिल हुए। यहां गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष माथा टेकने के बाद सभी अतिथियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान छतरपुर के विधायक आलोक चतुर्वेदी के द्वारा लंगर सेवा की गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने यहां लंगर में प्रसाद पाया। इस अवसर पर विधायक आलोक चतुर्वेदी के पुत्र निखिल चतुर्वेदी, केएम ग्रुप के डायरेक्टर राव साहब सहित अनेक गणमान्य नागरिक यहां मौजूद रहे। इस मौके पर छतरपुर के सिख समाज ने जनप्रतिनिधियों को एक आवेदन भी सौंपा और उनसे छतरपुर के बस स्टैंड पर स्थित फव्वारा चौक के नामकरण की मांग की। सिख समाज ने कहा कि छतरपुर के फव्वारा चौक का नाम सिख समाज में मुगलों से लोहा लेने वाले बंदा बहादुर सिंह के नाम पर रखा जाए। हमको जीवन कैसे जीना है इसके बारे में ही चिंता रहती है, लेकिन गुरु नानक देव जी ने हमको एक ऐसा रास्ता दिखाया, संगत बनाई, संगत के माध्यम से सेवा कार्य सिखाए और ये समाज में जो भेदभाव का स्वरूप था उसको खत्म किया। मन की एकाग्रता, सुई के सुराग में भागा डालने जैसी मन की एकाग्रता बन जाए ना तो सच जानना वो सुई धागा तो दो कपड़ों को जोड़ के एक करती है और यहाँ मन की एकाग्रता जन्मों जन्मों का बिछोड़ा हमारा एक फिन में खत्म कर सकती। नानक देव जी महाराज का 543वां जन्म 553वां जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष में लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, लंगर चल रहा है, प्रवचन हो रहे हैं। अमृतसर से आए हुए और बाहर से आए हुए सिख प्रचारक जो हैं वो कथा कर रहे हैं। और कब से प्रारंभ किया गया था ये? करीब तीन तारीख से आरंभ है कार्यक्रम, ये लगातार लंगर चल रहा है दोनों तीनों टाइम। कब तक चलेगा ये? आज शाम तक चलेगा। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और कोई कर्मकांड की सिख जगत में गुरु नानक देव महाराज ने कर्मकांड का खुलासा किया, जैसे आज ग्रहण लगा है। हमारे कई हिंदू भाइयों का फोन आया कि भाई साहब आप ये क्या करवा रहे हैं। हमने कहा भैया हम ग्रहण को नहीं मानते, अगर भगवान ही हमारा कष्ट में हो गया तो हमारा कष्ट निवारण कौन करेगा। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने इस कर्मकांड का विरोध किया और लिख दिया वाणी में, जे कर सूतक मनी है सब ते सूतक हुए, गोहे अत्ते लकड़ी अंदर कीड़ा हुए, जेते दाने आन के जिया बाजना कोए, पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोए, सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवे रसोए।